बिहार के समस्तीपुर से भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक डॉक्टर की हत्या से नाराज लोग उग्र हो गए और उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगाते हुए पुलिस की गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। दरअसल ये लोग दवा कारोबारी जनार्दन ठाकुर की हत्या का विरोध कर रहे थे। गुरुवार को बंदूकधारियों ने ताजपुर इलाके में जनार्दन ठाकुर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जनार्दन की हत्या को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज लोग आज समस्तीपुर के पास नेशनल हाईवे पर आ गए और चक्का जाम कर दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक शख्स की मौत की भी खबर है। फिलहाल हालातों पर काबू पा लिया गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।